नमस्कार दोस्तों, अशोक लेलैंड के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 1.3% के क्लियर आपको तेजी देखने को मिला। तो उसी के साथ नोटिस कर सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक बुलिश कैंडल देखने को मिला। पिछले कई दिनों से देखेंगे स्टॉक में लगातार बुलिश कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या यहाँ पे स्टॉक में तेजी आने वाला है या फिर स्टॉक में गिरावट आने वाला है? तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, नोटिस कर सकते हो अशोक लेलैंड स्टॉक आपको जैसे स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ रहा था तो ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने एक हाई लगा था 191.61 में। तो उसके बाद देखेंगे स्टॉक इसको ब्रेकआउट किया, दोबारा रिटेस्ट करके फिर से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन में देखेंगे स्टॉक अपने 205 का लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक शानदार तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई गिरावट का सिग्नल नहीं है, स्टॉक में ऊपर जाने का सिग्नल बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि अगर ऊपर बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, पहला टारगेट आपके सामने रहेगा 213.80 में रहेगा, दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 227.80 में, तीसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 241.80 एंड चौथा टारगेट आपके सामने 250। दोस्तों यहाँ पे सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को कैसा लगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।